तो सुनो इनकी टेस्टमनी, इनकी गवाही ये है। इन्होंने बताया ये सिस्टर जी जो लड़का है इसके मम्मा है, ये सिस्टर की गवाही है कि ये 17 साल से दुष्ट आत्मा तो बहुत परेशान रहते सन। दुष्ट आत्मा इनके जीवन में लंबे समय से काम कर रहा था और ये बहुत ही परेशान थे। ये सब जगह सब तांत्रिक बाबों के पास भी गए और इन्होंने लिखवाया कि जहां जहां पर भी ये गए, किसी ने इनसे 2000, किसी ने 4000, किसी ने 6000 लिया। कितना? किसी ने 2, किसी ने 4 और किसी ने 6, तांत्रिक बाबों ने, क्योंकि ये उस दुष्ट आत्मा से बहुत परेशान थे 17 साल से। कितने साल से? 17 साल से। फिर ये बताते हैं इन्होंने लिखवाया कि पैसों की कोई गिनती नहीं, पैसों की कोई गिनती नहीं है कि इन्होंने कितने पैसे तांत्रिक बाबों को, सियानों को दे दिए। फिर ये बताते हैं कि दुष्ट आत्मा की वजह से इनको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, थायराइड की, घुटनों में दर्द आ गया। ये बहुत सी ऐसे मेडिसिन लेते थे। क्या लेते थे? बहुत सी मेडिसिन, और रेगुलर ये मेडिसिन खा रहे थे। क्या खा रहे थे? और अब सबसे पहले हम उस क्लिप को, उस सीन को देखेंगे जब जे यहां पर जे पहली बार आए, तो हम उस क्लिप को, उस सीन को देखेंगे कि जब ये पहली बार आए और कैसे परमेश्वर ने इन्हें शुआ और आजाद किया। तो ठीक है, हम उस क्लिप को, उस सीन को देखेंगे। आउट, चल चल चल, यीशु के नाम से आउट, चल चल, क्या करना है? यस यस, क्यों नहीं? तेनू भेजना, क्यों भेजना है? भेजना तेन जिथे तेरी जगह, तेन उथे भेजना है। हैं? है जो तेरे सामने है ना, आज जो तेन भेजन वाला है, देखी देख, चल फिर आज आज दोबारा कभी भी इसकी बॉडी में प्रवेश नहीं करना। चल पूरी तरह से। आप विश्वास करते हो? कितनी देर से विश्वास करते हो? पहले भी है। नहीं, अभी आज पहली बार आए हो यीशु के पास, पहली बार आए हो। हाँ जी। विश्वास करना फिर। यीशु धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो जीवनों को बदलता है। वो धर्म नहीं, वो जीवन बदलता है। लोग समझते हैं धर्म बदला जाएगा, इसलिए लास्ट पे आते हैं यीशु के पास। लोग कब आते हैं? लास्ट पे, जब सब जगह में वो घूम आते हैं, काम बनता नहीं, फिर वो आते हैं। पर वो सच्चा खुदा है। बोलो क्या है? वो धर्म का नहीं, वो सच्चा खुदा है, जिसने इस काश और पृथ्वी को बनाया, जिसने तेरी मांग को, तुझे और सारी दुनिया को बनाया। वो चाहता है कि इस चीज से वे आजाद हो। करता है विश्वास? तो पक्का करता है। अपनी आंखें बंद कर, अपनी मम्मी के लिए विश्वास कर कि परमेश्वर, आज से मैं विश्वास करता हूं कि खुदावंत तू सच्चा खुदा है। मैं विश्वास करता हूं कि तूने पाप के लिए क्रूस पर, तू ईसाइयों के लिए नहीं, सारी जगत के, पृथ्वी के लोगों के लिए मरा है। विश्वास कर अपने मन से, क्योंकि वो क्रूस पर इसलिए मरा ताकि पूरे जगत के लोगों के पाप को उठा ले। वो इसलिए मरा, वो ईसाइयों के लिए नहीं, लोग समझते वो अंग्रेजों का है, वो जगत का सच्चा सतगुरु है। अगर तू विश्वास करता है तो आज ये फ्री होने वाले हैं। विश्वास कर, ये फ्री होने वाले हैं हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। विश्वास कर, प्रभु को अपना उद्धार करता मान, आज से उद्धार करता मान, क्योंकि सब चीजें बाइबल में लिखा, उसके वचन में। ओ शैतान, तू जानता है ना सब किसके पांव के नीचे? ओ क्षेत्रपाल, जानता है ना तू? ओ शैतान, सब चीजें उसके पांव के तले हैं, और सारा अधिकार परमेश्वर ने उसे दे दिया है, और उसी अधिकार से जो खुदा ने मुझे दिया, चल क्षेत्रपाल तेरे काम को मैं तमाम करता हूं। जड़ से आउट, चल राइट नाउ, पूरी रीति से छोड़, यीशु के नाम से आउट।
फ्री द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड फ्री 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 आउट आउट उखड़ उखड़ आज से हमेशा के लिए आउट यीशु के नाम से तुझे आदेश करता हूं कभी इसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आना चल आउट चल दोबारा कभी नहीं आना इसकी जिंदगी में मैं तुझे आदेश करता हूं शैतान चल आउट फ्री द नेम ऑफ जीसस फ्री फ्री बी हील बी हील थैंक यू जीसस धन्यवाद परमेश्वर खुदावन मैं शास करता हूं कि खुदा तू चाहता है सब पृथ्वी के मनुष्यों को बचाना और आज तू इसे चीज से आजाद कर चुका है खुदा इसे नया जीवन दे चुका है धन्यवाद परमेश्वर ये भी तेरे राज्य के अधिकारी बन चुके हैं यीशु के नाम से आमीन और सुनो देखो इनसे इनसे पूछो इनसे पूछो कि ये इनका 17 साल से इनका जीवन कैसे था बोलो कैसे था इनका जीवन 17 साल से इनसे पूछो क्योंकि इन्होंने जितना भी पैसा कमाया सारा शैतान ने चुरा लिया दुष्ट आत्मा ने जो इनकी बॉडी में जो बैठकर गुप्त रूप में काम कर रही थी इन्हें पता नहीं थे इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा ज्ञान ना होने से क्या हो रही है नाश हो रही है बहुत से तांत्रिक बाबों के पास गए पर पूर्ण छुटकारा किसके नाम से है पूर्ण छुटकारा किसके नाम से इनसे पूछो ये कहते हैं इन्होंने लिखवाया कि इतने पैसे हमने दी कि कोई गिनती नहीं है आइडिया है कोई कोई थोड़ा आइडिया बताओ थोड़ा सा नहीं आइडिया कोई आइडिया नहीं मतलब कोई आइडिया नहीं है ऐसे ऐसे हम हिसाब लगाएं तो लाखों में जा सकता है लाखों में हाँ जी लाखों में देखो अगर हम ये कहते हैं गिनती नहीं अगर हम हिसाब लगाएं तो लाखों रुपया इनके ऊपर खर्च हो गया इसलिए आज लोग जितने बीमार हैं परेशान हैं हॉस्पिटलों में पड़े हैं उसका कारण क्या है दुष्ट आत्मा और पाप जो लोग जानते नहीं उसका कारण क्या है आज लोग जो परेशान है बीमार है उसका कारण परमेश्वर नहीं है उसका कारण है शैतान पाप जो हमारे बॉडी हमारे ब्लड में क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है खून और उसमें क्या है पाप और उसी की वजह से डेविल का शैतान का क्या था अधिकार था जब ये सच्चे खुदा के पास सच्चे प्रभु के पास आए क्योंकि पूर्ण छुटकारा किसके नाम से है और जिस दिन ये आए आपको किसने बताया यहां यहां से यहां पर आने के लिए भाभी नहीं आते हैं अच्छा इनके भाभी आते हैं क्या आते हैं अच्छा भाभी आते हैं तो इनके भाभी यहां पे आते तो उन्होंने खुशखबरी दी इन्हें कि यीशु के पास वहां पे आओ क्या हो जाओगे ऐसे ही आप भी ये खुशखबरी सबको देना क्योंकि परमेश्वर की चाहत है पूरी दुनिया के लोगों के लिए कि सब मनुष्य क्या हो जाएं बचाए जाएं और मेरे सत्य के ज्ञान तक पहुंचे क्या पहुंचे मेरे सत्य के ज्ञान तक पहुंचे जैसे आज इनके जीवन में सत्य आया उसका उसकी सच्चाई आई सच्चा प्रभु आया सच्चा खुदा आया तो आज इनकी जिंदगी खुदा ने क्या कर दी 17 साल से जो परेशान थे आज पूरी तरह इनको खुदा ने फ्री कर दिया खुश हो आज कितना खुश हो बहुत खुश क्यों सिस्टर कितना खुश हो आप आज बहुत ज्यादा बाबा जी हैं बहुत ज्यादा कहते बहुत ज्यादा कैसा लगता था तब जब जब पहले आप इतनी परेशानी में थे कैसा लगता था बहुत बुरा लगा ही था बहुत अच्छा लगा ये कहते पहले बहुत बुरा था यहाँ पे आके प्रभु के पास मैंने देखा जब भी ये अब जब बैठते हैं अभी ये नहीं दूसरा तीसरा हफ्ता है ना इस तरह तो मैंने देखा कि
ये वहां पर बैठे कितना आनंद करते हैं खुदा की वर्शिप, इन्हें मैंने वर्शिप करते देखा कितने आनंद से और खुशी से। इससे पता चलता है ना, जब प्रभु किसी के जीवन में आता है, मैंने देखा जब जब वर्शिप होती है तो कितने आनंद से झूमते हैं, ऐसे 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 कैसे ये ऐसे ऐसे वर्शिप करते हैं पूरी, क्योंकि किसने इन्हें इनका जीवन बदल दिया और जीवन की सब खुशियां इनके जीवन में किसने दे दी। इसलिए उस सच्चे प्रभु के लिए, उस सच्चे खुदा के लिए एक बार जोर से तारीफ करेंगे खुदा की, क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए इस दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और ऐसा ही परमेश्वर आप भी लोगों को बताओ जो लोग परेशान है, ताकि खुदा उन्हें भी अच्छा करना चाहता है। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुत आशीष।